हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। न्यू कैंपस का गेट बंद कर किया प्रदर्शन। छात्र हितों की मांगों को लेकर नारेबाजी की। काफी देर तक बाहर खड़े रहे शिक्षक और विद्यार्थी। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित होने के साथ ही छात्र नेताओं की हलचल शुरू हो गई है। छात्र नेता छात्र छात्राओं का ध्यान आकर्षण करने के लिए अब आए दिन किसी न किसी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही पुलिस ने विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय के बाहर प्रदर्शनकारी छात्रों को खदेड़ा था। अब फिर गुरुवार को छात्रों ने न्यू कैंपस का प्रवेश द्वार बंद कर प्रदर्शन किया। छात्र नेता हनुमान तरड़ ने अपने समर्थकों के साथ गुरुवार को एक बार फिर न्यू कैंपस के बाहर विभिन्न छात्र हितों की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने यहां नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। उसके बाद ये छात्र कैंपस का प्रवेश द्वार बंद कर धरना देकर बैठ गए। गेट बंद होने से कैंपस आने वाले विद्यार्थी और शिक्षकों को काफी देर तक बाहर ही खड़ा रहना पड़ा। इस दौरान सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। बता दें कि कुछ दिन पहले ही छात्र नेता हनुमान तरण ने अपने समर्थकों के साथ जेएनयू के केंद्र कार्यालय के बाहर प्रवेश द्वार बंद कर प्रदर्शन किया था। उस दौरान उसकी वहां एक अन्य छात्र गुट से झड़प हो गई थी। तब वहां सुरक्षा में तैनात पुलिस ने हालात बिगड़ने पर इन छात्रों को डंडा फटकार के खदेड़ दिया था और एक छात्र को गिरफ्तार भी किया था। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।